अब खबर जयपुर से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की अहम बैठक है। जहां भाजपा कार्यालय में ये बैठक जारी है और सभी भाजपा प्रत्याशी, लोकसभा प्रभारी और जिलाध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सभी 25 सीटों के संयोजक और सह संयोजक भी इस बैठक में मौजूद हैं। जी आपको बता रहे कि मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मदन लाल सैनी, वसुंधरा राजे, वी सतीश कर रहे हैं संबोधित। सभी भाजपा प्रत्याशी भी इस बैठक में मौजूद है। प्रदेश पदाधिकारी, सभी 25 सीटों के संयोजक और सह संयोजक इस बैठक में मौजूद हैं। मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मदन लाल सैनी, वसुंधरा राजे, वी सतीश भी संबोधित कर रहे हैं। जयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की ये अहम बैठक, भाजपा कार्यालय में बैठक जारी है और कई बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। आपको बता दें कि सभी भाजपा प्रत्याशी, लोकसभा प्रभारी, जिलाध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सभी 25 सीटों के संयोजक और सह संयोजक भी इस बैठक में मौजूद हैं। बेहद अहम मानी जा रही है ये बैठक, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा की जा रही है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी पिंटू, बताए क्या कुछ रणनीतियों को लेकर चर्चा है संभावित? काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है भाजपा की, क्योंकि टिकट डिक्लेयर होने के बाद में पहली अहम बैठक है और बैठक को नाम दिया गया है लोकसभा विजय संकल्प। अभी हालांकि पूरी टिकट जो 25 सीटें हैं पूरे टिकट वितरण नहीं किया गया, अभी भी 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है, लेकिन वो जल्द आजकल में हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव प्रचार का बिगुल बज चुका है, चारों तरफ जो जोरों शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है। 29 अप्रैल को पहले चरण का आज यहाँ पर मतदान है और इसी को देखते हुए आज यहाँ पर अहम बैठक भाजपा मुख्यालय में बुलाई गई है, जिसमें बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं और नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया, प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी, राजेंद्र राठौड़ और जो लोकसभा चुनाव के प्रभारी हैं प्रकाश जावड़ेकर और सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी, तमाम वो लोग हैं और जिनको टिकट मिला है, जो प्रत्याशी हैं, जो 19 प्रत्याशी हैं भाजपा की, वो भी यहाँ पर हैं और तमाम मोर्चों के वो अध्यक्ष भी हैं और विस्तारक भी हैं। उन सबसे आज यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि किस रणनीति के तहत हमको जनता के बीच में जाना है और किस प्रकार से कांग्रेस को टारगेट करना है और कांग्रेस की जो जो 3 महीने में जिस प्रकार की जो पॉलिसीज रही है राजस्थान सरकार की, जो विफलताएं रही है, जिनको विफलताएं जो बता रही है बीजेपी लगातार, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा घेरना का विषय रहेगा। और एक रणनीति पर, और सबसे बड़ी बात में राहुल गांधी, जिस प्रकार से कुछ सीटों पर जो नाराजगी है, जो भीतरघात का डर है, वो भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर भाजपा में बगावत हो चुकी है, जहाँ पर विरोध किया जा रहा था, विरोध के बाद टिकट दिया गया, वो एक एकजुटता का मंत्र यहाँ पर दिया जाना है और उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर बैठक बुलाई गई है। अब प्रकाश जावड़ेकर ने जब बैठक में जो उनका संबोधन हुआ, उसमें यही कहा गया है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है, किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। हम सबको चुनाव, सबको मैदान में जाकर चुनाव लड़ना है और हम सब सांसद बनेंगे और सब प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी लक्ष्य के साथ हमको जनता के बीच जाना है। और कांग्रेस की जो विफलताएं हैं, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, इन सब चीजों को सबसे ज्यादा भुनाया जाए और सुरक्षा की गारंटी के नाम पर ये मोदी के लिए वोट की अपील करे। जी लेकिन जी पिंटू, ये बताएं कि बची हुई सीटों पर भी मंत्रणा की जा रही होगी, तो कौन सी आप बता सकते हैं संभावित सीटें हैं जिन पर पेच फंसने की संभावना है? देखिए मैं आपको बता दूं, लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं प्रदेश भाजपा की ओर से। जो बाकी जो 6 सीटें बची हैं उनके नाम केंद्र नेतृत्व को दे दिए गए हैं। सर्वे के मुताबिक वो तमाम चीजें यहाँ की तरफ से जो प्रदेश नेतृत्व है वहां से लिस्ट मांगी गई, वो हाईकमान को भेज दिए गए हैं, दिल्ली भेज दिए गए। अमित शाह अब उनको अपने सर्वे से मैच करेंगे और उसके बाद वो टिकट डिक्लेयर करेंगे कि कहाँ कौन बेस्ट रहेगा, क्योंकि इनका जो इनका पैनल भेजे गए हैं राजस्थान भाजपा की तरफ से, और वहां पर जो अमित शाह ने जो तमाम अपने इंटरनल जो सर्वे करवाए थे उनके मुताबिक उनको जो बेस्ट लगेगा उनकी घोषणा की जाएगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर हम माने तो लगभग टिकट फाइनल हो चुके हैं। मैं नवीन आपको बता दूं, और आज शाम तक, क्योंकि अभी खुद प्रकाश जावड़ेकर अपने संबोधन में कहा था कि अब जल्द ही बाकी जो 6 प्रत्याशी है उनकी भी घोषणा हो जाएगी और फिर 25 जो योद्धा है वो चुनावी मैदान में जाए और विजय का संकल्प के साथ एक बार फिर से 25 की जो 25 सीटें हैं वो जीत कर पीएम मोदी की झोली में डाले। पेच फंसा था, मैं आपको बता दूं कि एक जो राजसमंद सीट है उसको लेकर भी पेच कहीं ना कहीं जो फंसा हुआ था, बाड़मेर की जो सीट है उस पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि वहां मौजूदा सांसद जो कर्नल सोनाराम थे उनकी टिकट कटने की चर्चा थी और राजसमंद से जो मौजूदा सांसद है रियोम सिंह राठौड़ उनकी वो खुद मना कर चुके हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, और दिया कुमारी प्रबल दावेदार थी, पहले वो जयपुर स्वाई माधोपुर से दावेदारी जता रही थी। लेकिन एक कोटा होता है, मैं आपको बता दूं लवीना, की किस समाज से कितने टिकट दिए जाने हैं। पिछली बार राजपूत समाज को भाजपा ने 3 टिकट दिए थे, अब 2 टिकट अभी वर्तमान में दे चुकी है गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन राठौड़, तो माना
जा रहा है कि दिया कुमारी का टिकट लगभग तय है राजसमंद से, तो बाजमेर और राजसमंद में जरूर थोड़ी कहीं ना कहीं जो टिकट था वो फंसा हुआ था, लेकिन अब लगभग साफ है कि जल्द ही घोषणा हो जाएगी। दो सीट अगर माने, 6 में से 2 सीट ऐसी है जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। जी लगेगा जी पिंटू, ये बताएं कि लगभग अब टिकट भी फाइनल हो चुके हैं, तो कब तक माने की कब तक सूची जारी हो सकती है? देखिए वैसे तो लगभग कल ही हो जानी चाहिए थी क्योंकि इनकी तरफ से पूरे नाम दिए जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताया कि जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के जो प्रभारी है, लोकसभा चुनाव के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने खुद अभी अपने संबोधन में जब वो संबोधित कर रहे थे कि हमारे 19 प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है और जल्द ही 6 प्रत्याशियों की घोषणा भी आज देर शाम तक हो जाएगी जहां तक है, क्योंकि जिस हिसाब से खुद जावड़ेकर की जो बॉडी लैंग्वेज थी और वो खुद बोल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि अब देरी की जाएगी क्योंकि ऑलरेडी काफी देरी हो चुकी है, क्योंकि कई जगह जो प्रत्याशी हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा हो गई या कांग्रेस की नहीं हुई, तो ऐसे ना कहीं वहां जहां राजसमंद में या अगर बाड़मेर में बात करें तो बाड़मेर में कांग्रेस ने मानवेंद्र की घोषणा कर दी, ऐसे में वो कंटिन्यू वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अगर वो देरी से करती है भाजपा तो भाजपा प्रत्याशी को नुकसान हो सकता है, ऐसे में जल्द ही पार्टी मुझे लगता है कि आज अपने बाकी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। जी लवीना जी पिंटू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय में बेहद अहम बैठक चल रही है जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ शेष बची सीटों पर भी मंत्रणा की जा रही है।